विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल के शेयरों को लेकर बुलिश है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी आने वाले वर्षों में मोबाइल टैरिफ्स में कई बार बढ़ोतरी कर सकती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि शेयरों में आगे 20% की तेजी आ सकती है। जेफरीज ने एयरटेल के शेयरों के लिए टारगेट प्राइस 1760 रुपए से बढ़ाकर 1970 रुपए प्रति शेयर कर दिया। बीएसई पर 13 सितंबर को ये शेयर के बंद भाव से 20% ज्यादा है। ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग को दोहराया है। जेफरीज ने मजबूत प्रदर्शन क्षमता का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए भारतीय एयरटेल के इंडिया ऑपरेशंस के लिए अपने रेवेन्यू और EBITDA अनुमान को 5-9% तक बढ़ा दिया। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2024-27 की अवधि में 19% की मजबूत EBITDA CAGR का भी अनुमान जताया है। भारतीय एयरटेल के लिए जेफरीज ने वित्त वर्ष 2026 के मध्य में 10% टैरिफ हाइक का मॉडल तैयार किया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 10% वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। जेफरीज के अनुसार रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया भी आने वाले वर्षों में कई टैरिफ बढ़ोतरी कर सकती है। ग्रोथ पर जियो के बढ़ते फोकस के कारण बढ़ोतरी की जरूरत हो सकती है, जबकि वोडाफोन आइडिया की बाजार हिस्सेदारी में लगातार आ रही कमी के कारण बढ़ोतरी की जा सकती है। 13 सितंबर को भारतीय एयरटेल का शेयर बीएसई पर मामूली बढ़त के साथ 1650.05 रुपए पर खुला। तुरंत ही इसने 52 सप्ताह का नया उच्च स्तर 1655 रुपए छुआ, लेकिन बाद में ये 0.73% की गिरावट के साथ 1634.45 रुपए पर सेटल हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 9.30 लाख रुपए पर है। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय एयरटेल शेयर के लिए टारगेट प्राइस को 900 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए प्रति शेयर किया था, साथ ही बाय रेटिंग को बरकरार रखा था।